जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा के त्राल में चल रही मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी मार गिराए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन जैश के कमांडर मुदस्सिर को मार गिराया है। मुदस्सिर वही आतंकी है जिसने 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के लिए आईडी प्लांट किया था। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमलों की साजिश रचने वालों में से मुदस्सिर एक था। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुदस्सिर ने कामरान के साथ मिलकर आत्मघाती हमले के लिए आईडी किट बनाई थी। ये खास तौर की किट थी जो गाड़ी के जरिए आत्मघाती हमले के लिए बनाई गई थी। सुरक्षा बल ने कामरान को पुलवामा हमले के तुरंत बाद ही मार गिराया था। 24 साल का मुदस्सिर एक साल पहले ही जैश में शामिल हुआ था। इससे पहले वो जैश का ओवरग्राउंड वर्कर था। इसके अलावा जैश ने कल से चल रही मुठभेड़ में सज्जाद नाम के एक और आतंकी को मार गिराया है। आरोप है कि सीआरपीएफ काफिले पर हमले के लिए सज्जाद ने गाड़ी खरीदने में मदद की थी और फिर वही गाड़ी को हमले की जगह लाया था। इसके अलावा इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी को भी मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, देखा जाए तो घाटी में अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, पुलवामा मॉड्यूल को बर्ज करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था 14 फरवरी के बाद से अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और ये दोनों जो मार गिराए गए हैं ये कॉन्स्पिरेटर थे। इन्होंने प्लान किया था आईडी और गाड़ी एक्वायर करने में मदद की थी और ये वही लोकल मॉड्यूल का हिस्सा है जिन्होंने पूरी की पूरी वारदात में मदद की थी। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि करीब एक हफ्ते पहले एक छोटा आईडी धमाका हुआ था त्राल इलाके में, उसके पीछे भी इसका हाथ बताया जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी है और उम्मीद है सुरक्षा एजेंसी को कि आने वाले दिनों में इनके खात्मे के बाद जो ये पूरा मॉड्यूल है ये बस्ट हो सकेगा। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।